नमस्कार। आज मैं खड़ा हूँ पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी पिम्स के कैंपस के अंदर, और मुझे कोई गुरेज नहीं कहने में कि जो मैं हमेशा कहता हूँ और क्लाइंट्स जिसके लिए मुझे तारीफ़ करते हैं कि इस कॉलेज में आना मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, दो लाइनों में। देखिए, राजस्थान के 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में डेफिनेटली बिना किसी डाउट के इसकी रैंक 9th होनी चाहिए, और जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ ये वो कॉलेज है जो बिल्कुल चिरंजीवी योजना और बसें भेज भेज के जो पेशेंट लाए जाते हैं उनके भरोसे चल रहा है, और इसकी लोकेशन सबसे ख़राब है। तो ये एक थर्ड लोकेशन पे था। हम कल बात कर रहे थे ना कि कुछ हैं जो दिल्ली रोड पे हैं, एक कॉलेज था जो अब माउंट आबू रोड पे था, दूसरा पैसिफिक मेडिकल कॉलेज, एक कॉलेज है जो कि चित्तौड़गढ़ रोड पे था, और ये जो कॉलेज है कोई उमरदा करके शहर है, मतलब मैं खुद समझ नहीं पा रहा। और बिल्कुल वैसे हम हिल्स के अंदर हैं, और कम से कम आखिरी का 5 किलोमीटर का एरिया था, वो होता है ना कि लेफ्ट में पीछे आगे पीछे पहाड़ी पहाड़ हैं और बीच में प्लेन एरिया था जिसको काट के एक एजुकेशन हब बनाने की कोशिश की है। इसके आसपास और 2-3 एजुकेशन इंस्टीट्यूट आए थे, और वही राजस्थान की जो स्पेशलिटी है पता नहीं कैसे कि हर एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी है। और कमाल की बात यह है कि पैसिफिक के अगर 2 कैंपस हैं ना, सो दोनों अलग यूनिवर्सिटी हैं। जैसा हमने कहा था कल, पैसिफिक ग्रुप एक लाला जी का ही है, उनके बेटे हैं, तो पैसिफिक यूनिवर्सिटी अलग है, पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी अलग है, जिसके अंदर ये पैसिफिक मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी था। और आज जो हम ये खड़े हैं, ये है, इन्होंने ले रखा है साई तिरुपति यूनिवर्सिटी, और साई तिरुपति यूनिवर्सिटी के अंडर भी MBBS है, MD है, नर्सिंग है, फार्मा है, दुनिया भर के कोर्स हैं, फैशन वगैरह के कोर्स भी है लिस्ट में। और मेरे ख्याल से जितने बच्चे हमें या गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं सब उन्हीं बच्चों की या पेरेंट्स की होंगी, और बाहर के पेशेंट बिल्कुल पकड़ पकड़ के लाए जा रहे हैं। तो जिस तरह मैं हरियाणा के 2 कॉलेजों की तारीफ़ करता हूँ या UP के 5 कॉलेजों की, ये कॉलेज बिल्कुल उस लीग में आएगा जहाँ पर बच्चों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा है, सॉरी पेशेंट्स को। और डेफिनेटली लास्ट ये 2 साल पहले जब राजस्थान में दिक्कत हुई थी और 4 कॉलेजों का 0 ईयर हो गया था 2021 में, ये कॉलेज भी उसी लिस्ट में था। और जैसा कि मैंने कहा, मैं हैरान हूँ कि गीतांजलि, अनंता और अमेरिकन क्यों आए, पर मैंने और रिसर्च करा पिछले 2 दिन में बिफोर गिविंग दिस वीडियो, कि चूँकि NMC के बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, तो वो तीनों फेल कर गए थे फैकल्टी में, कि एक जो परमानेंट फैकल्टी एनी टाइम कॉलेज में होनी चाहिए वहाँ पर कम थी। और सच्चाई की बात यह है कि इंडिया के मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस छोड़िए, सरकारी में भी वो कमी मिलेगी, लेकिन ये कॉलेज मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ ये फैकल्टी नहीं, ये कई दिशाओं से कमज़ोर रहा होगा। यहाँ एक आधी एम्बुलेंस खड़ी है, जैसा मैंने कहा हर लिहाज से, जो आपने मेरे बच्चों ने पुराने वीडियो सुने हैं, तो जिस तरह से मैं हरियाणा का NC मेडिकल इसराना और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर के बारे में कहता हूँ, या उत्तर प्रदेश का मैं कृष्णा मोहन और उसके नीचे के सभी कॉलेज के बारे में कहता हूँ, और उसी लीग में सरस्वती उन्नाव टाइप के जो कॉलेजेस हैं, तो उसी लिस्ट में ये कॉलेज आएगा। बिल्कुल मतलब आपको सिर्फ डिग्री मिलेगी, इस कॉलेज में क्या पढ़ाई होगी, क्या पेशेंट आपको वो मिलेगा एक्सपोजर, और इस कॉलेज के बच्चे नेक्स्ट पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे सब भगवान भरोसे है। बस वही बात है कि कॉलेज पास हो जाता है, और मैंने कल आपको इशारा किया ही था कि राजस्थान के 9 में से 7 प्राइवेट कॉलेज अपनी अपनी यूनिवर्सिटी चलाते हैं, सबकी अपनी अपनी है, कमाल ही है ना। तो पता नहीं राजस्थान में कितनी सभी यूनिवर्सिटी हैं, आई थिंक अगर इंडिया में 800 में तो शायद राजस्थान अकेले में ही 100 के ऊपर हैं, और जिसमें 9 में से 7 कॉलेजेस 7 अपनी अपनी यूनिवर्सिटी चलाते हैं, तो खुद ही पेपर बनाते हैं, खुद ही पेपर चेक करते हैं, तो बच्चों का पास होना यहाँ से तो मैनेज हो जाता है। और जब नेक्स्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा, सो अदर देन ऑल दी कॉलेजेस आई थिंक दिस इज़ द कॉलेज, कि मेरे को डाउट है कि इन बच्चों का क्या होगा। और तभी 2022 में आई थिंक ये कॉलेज बहुत मुश्किल में आ गया था, और लास्ट में इसको अपनी सीटें भरने के लिए बहुत सस्ता पैकेज ऑफ़र करना पड़ा था, और मुझे खुद ही बताया गया जो यहाँ पर एडमिशन देखते हैं। और आप हंसोगे सुन के कि एक तरफ मैं वो बात भी कर रहा हूँ, एक तरफ मैं आपको डिस्करेज भी कर रहा हूँ, वो भी सुनेंगे तो बड़ा बुरा मानेंगे, पर जो सच्चाई है वो सच्चाई है, इसी के लिए मैं फेमस हूँ। और मैं लास्ट ईयर भी किसी ने एक दो कमेंट में डाला था कि सर जब आप खुद ही बुराई कर रहे हो फिर भी आप बच्चे को यहाँ के लिए क्यों भेज रहे हो, और मैं हमेशा कहता हूँ कि झज्जर भी मैंने बच्चे भेजे हैं, कहकर भेजे हैं। अब सच्चाई ये थी कि किसी बच्चे के 120 नंबर ही हैं, और उस बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स ने डिसाइड कर ही रखा है कि हमें MBBS ही करानी है और कुछ कराना ही नहीं है, और कराना भी बगल में ही है। झज्जर वाले के लिए था कि जी मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ, मैं रेवाड़ी का रहने वाला हूँ, यहाँ के लोगों के लोग जी मैं बांसवाड़ा का रहने वाला हूँ, मैं डूंगरपुर का रहने वाला हूँ, जो इस क्षेत्र के लोग हो गए, और कसम खा रखी है कि MBBS ही करानी है, पास में ही करानी है, बच्चे के नंबर 130 आए हैं, 140 आए हैं,
देखिए हमेशा कहते हो ना कि राजस्थान का क्लोज स्टेट बट एक्सपेंसिव फीस, तो फ़ायदा ये है कि राजस्थान डोमिसाइल में तो अगर आप नीट जस्ट क्वालिफाई भी हैं तो भी विद इन राजस्थान आपकी सीट कन्फर्म है प्राइवेट कॉलेजेस में, और सरकारी यहाँ की आपको पता ही है बहुत कॉम्पिटिटिव है, और सेमी गवर्नमेंट में भी जहाँ पर 8 लाख फीस है वहाँ हर जगह कट ऑफ 580 के ऊपर जाती है, और ये जो फिर 9 कॉलेज हैं जिनमें खासकर ये हो जाता है ये आपको जस्ट कट ऑफ पे मिल जाता है, क्योंकि बाहर के बच्चे आपके कंपटीशन में नहीं आते, इस वजह से इन कॉलेज की सीटें भरी जाती हैं। लेकिन डेफिनेटली आपको 100 बार सोचना चाहिए इस कॉलेज में आने से पहले, और वही मैंने बोला कि जिसकी बिल्कुल मजबूरी हो कि भाई करनी करनी है, ड्रॉप आउट नहीं लेना है, दूर नहीं जाना चाहते, मैं हमेशा कहता हूँ यूपी के कुछ कॉलेजेस इससे अच्छे हैं, अगर आपके 250 मार्क्स भी आ गए, MMU सोलन बहुत अच्छा है, और ये भी कौन सा फ्री में पढ़ा रहे हैं, मतलब बिना मतलब लास्ट ईयर जब इन्होंने डिस्काउंट भी दे दिया था तो भी तो हॉस्टल मिला के 1 करोड़ तो लिया ही था, और 1.5 करोड़ खर्च करके तो आपको MMU सोलन जैसा कॉलेज मिल जाता है। ऑफकोर्स मैं झज्जर या पानीपत की बात नहीं करूँगा, मैं भी सिर्फ नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें जानते हैं कि MP भी क्लोज स्टेट है, या कुछ अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं, मैं कम नंबर वालों की बात कर रहा हूँ, अच्छे मार्क्स वाले के पास तो बहुत ऑप्शंस होती हैं, तो इस कॉलेज में आने से पहले 100 बार सोचिएगा, और वही बात है कि जब तक आपकी मजबूरी ना हो इस कॉलेज में MBBS करना दिक्कत ही, कहने को हर जगह MD चल रही है, क्लिनिकल MDs चल रही हैं, बट सब कुछ ही भगवान भरोसे चल रहा है। तो हमारे साथ जुड़ना चाहें, हमारा प्रीमियम पैकेज लेना चाहें, 9643362320 पे कॉल कीजिए। मेरा नाम है विवेक गुप्ता, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।